नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आचार्य चाणक्य ने अपने चाणक्य नीति ग्रंथ में बताए हुए ऐसे तीन चीज़ों के बारे में, जिन तीन चीज़ों से हर मनुष्य को अपने पूरे जीवन में संतुष्ट रहना चाहिए। अगर कोई मनुष्य उन तीन चीज़ों से संतुष्ट नहीं रहता है तो यह उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरे का साबित हो सकता है। तो दोस्तों, यह सब जानने के लिए आज की इस वीडियो को आप पूरा अवश्य देखें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्वप्निल और आप देख रहे हैं आपका ही यूट्यूब चैनल ऑल इन्फो अपडेट। सबसे पहली जो चीज़ है वह कौन सी है दोस्तों? कि खुद की पत्नी। जी हाँ दोस्तों, आचार्य चाणक्य अपने चाणक्य नीति ग्रंथ में ऐसा बोलते हैं कि मनुष्य को अपने पत्नी से पूरी तरह से संतुष्ट रहना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर आपकी पत्नी कितनी भी बुरी है पर वह पत्नी आपकी है, इसलिए आपको कभी भी किसी भी परस्त्री को गंदी नज़र से बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। और आपको अपने पूरे जीवन में अपने पत्नी से संतुष्ट रहना चाहिए। तो दोस्तों, आप इस बात को ध्यान में रखिए। जो दूसरी चीज है वह कौन सी है दोस्तों? कि ईमानदारी से कमाया हुआ धन। जी हाँ दोस्तों, आचार्य चाणक्य अपने चाणक्य नीति ग्रंथ में ऐसा बोलते हैं कि अगर आप ईमानदारी से बहुत कम पैसा कमाते हो तो फिर भी आपको अपने धन से, यानी कि आपको अपने पैसों से संतुष्ट रहना चाहिए। आपको कभी भी कोई भी गलत काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको महीने में बहुत कम पैसे मिलते हैं पर आप एक ईमानदारी का काम कर रहे हो तो आपको इस बात में अपने पूरे जीवन भर संतुष्ट रहना चाहिए। तो दोस्तों, आप इस बात को ध्यान में रखिए। जो तीसरी चीज़ है वह कौन सी है दोस्तों? कि खुद की सुंदरता। जी हाँ दोस्तों, आचार्य चाणक्य अपने चाणक्य नीति ग्रंथ में ऐसा बोलते हैं कि अगर आपकी सुंदरता बहुत ज़्यादा है या फिर अगर आपकी सुंदरता बहुत कम है या फिर अगर आपका रंग यानी कि आपका कलर काला है या फिर अगर आपका कलर गोरा है तो फिर भी आप जैसे भी हो आपको अपनी सुंदरता से हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। अगर कोई मनुष्य अपने खुद के सुंदरता से संतुष्ट नहीं रहता है तो यह उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरे का साबित हो सकता है। तो दोस्तों, आप इस बात को अपने पूरे जीवन में ध्यान में रखिए।